बिल्कुल आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे सीधे। देखिए अभी माचिस जला और ये जलना चालू हो गया है। और ये देखिए ये तीन बल्ब है और ये तीनों बल्ब देखना है कि कब जलता है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, काफ़ी शानदार। एक बार देख सकते हैं आप एक बार देखिए, देखिए टीवी, आप टीवी भी रखा हुआ, टीवी में भी लाइट आ गया, टीवी भी चलता है। हाँ टीवी भी चलता है, क्या बात है। तो ये जलते रहना चाहिए ना हमेशा, मतलब ये जलते रहेगा तभी तो। जैसे चलाती अपना बैटरी चार्जिंग हो गया। अच्छा जलाने मतलब, से बैटरी भी चार्ज हो जाएगा। बैटरी चार्ज हो गया उसके बाद आप मतलब एलईडी टीवी चलाइए या कुछ भी चलाइए, बल्ब चलाइए, पंखा चलाइए। कितना वाट ये बिजली तैयार किया? ये अभी 6 वोल्ट बिजली तैयार किया। 6 वोल्ट बिजली तैयार हो गया इतना ही से? इतना ही कचरा में? हाँ इतना ही कचरा, मतलब इसको। और जो अभी इसमें रिसर्च कर रहे हैं इसमें होगा कि अगर थोड़ा सा कचरा जलाएंगे तो मतलब बहुत ज्यादा, अगर 2 घंटा अगर जलाते हैं कचरा तो मतलब पूरा दिन भर का मतलब बिजली उत्पन्न कर देगा। और ये देखिए कचरा, यानी कि समझिए कि आप मान लीजिए कि कचरा है, कचरा ही है, कागज़ का टुकड़ा था, इसको जलाया गया और जलाने के बाद बिजली उत्पन्न होगा इससे। और देखिए एक बार चेक कर लीजिए आप, देखिए अभी ये चेक करके बता रहे हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि ये कार जो है, हाँ, कार या बाइक है वो चल रहा है, चल रहा है। हाँ, जैसे अगर यहाँ पे हम मतलब सोते हैं जैसे कि ऐसे, हाँ, तो ये गाड़ी बंद हो जाता है, गाड़ी बंद। हाँ और जैसे हम यहाँ पे मतलब गाड़ी चलाते हैं तो ये यहाँ चलने लगता है। वाह क्या बात है। और जैसे हम सोते हैं तो गाड़ी ये बंद हो जाता है। हम देखते हैं, ये वार्निंग कॉल आ गया, वार्निंग अलर्ट का। बिहार के एक युवा वैज्ञानिक जो 10th क्लास में पढ़ता है और ऐसा आविष्कार किया है जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ये एक ऐसा आविष्कार किए हैं जो बॉर्डर पर काम आ सकता है, सैनिकों के लिए काम आ सकता है, साथ ही साथ अन्य तरीके के खोज किए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खोज किए हैं। अभी मेरे साथ बिहार के भागलपुर के रहने वाले युवा वैज्ञानिक हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजा कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी इंडिया न्यूज़ में। थैंक्स। तो आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं एक बार अपने से बता दीजिए। हम 10th क्लास में एग्जाम दे दिए 10th का। अच्छा 10th का एग्जाम दे दिए। हाँ। कौन से स्कूल से पढ़ाई की कर रहे थे? शारदा पाठशाला। शारदा पाठशाला। हाँ। बिहार बोर्ड से है या CBSE बोर्ड से है? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से। देखिए बिहार बोर्ड से पढ़ाई करने वाले एक होनहार लड़का ने ऐसा 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 खोज किए हैं जिसको मैं आप लोग को दिखलाने वाला हूं और आप भी देखकर चौंक जाएंगे और आप सोच नहीं सकते हैं कि इन्होंने कैसा कैसा खोज किया है। तभी मेरे साथ मौजूद हैं ये युवा वैज्ञानिक। सबसे पहले बताइए क्या क्या आपने खोजा है? जैसे कि अभी इसका रिसर्च करके खोजे, इसमें होता है कि प्लास्टिक तो कोई काम में नहीं आता है। हाँ। तो उसके चलते एक रिसर्च करके बनाया कि अगर मान के चलिए अगर प्लास्टिक को जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अच्छा। हाँ तो कैसे वो जनरेट होता है? तो जैसे कि हम अपना यहाँ पे जार बॉक्स बनाए, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जला मतलब यहाँ पे प्लास्टिक जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मेरा उत्पन्न होता है। अच्छा, अच्छा। उत्पन्न होने के साथ यहाँ पे मतलब दिखाने के लिए बल्ब जलता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, उसके साथ मेरा मतलब बैटरी चार्ज होगा। चार्ज होने के साथ यहाँ पे हम बल्ब लगाए, LED लगाए, मतलब डेमो कहते चला के दिखाएंगे। चलिए तो ये आप इलेक्ट्रिक किससे है इसका भी मैं दिखलाऊंगा कैसे बिजली बनता है। और क्या क्या बनाए आप? और जैसे ये बॉर्डर के लिए बनाया है, बॉर्डर सुरक्षा यंत्र है, इसे कि मतलब घुसपैठिए अगर रात में घुसने का कोशिश करे तो होगा कि अगर रात में घुसने का कोशिश करे तो रात में अगर मतलब जवान सब सोया भी रहेगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। उधर से अगर घुसने का कोशिश करे तो ये सेंसर उसको मतलब दुश्मन को देख लेगा, देखने के साथ ये मतलब यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा, सायरन बजने लगेगा। और उसका भूत कैंप रहता है वहाँ पे, जबकि अगर हमला हो जाता है तो उसको कॉल करने में टाइम नहीं रहता है कि हम कॉल करके उसको बता सके, नोटिफिकेशन भेज सके। तो ये डिवाइस ऐसा है कि अगर वहाँ पे जैसे अगर घुसने का कोशिश करे ये देख लेगा और ऑटोमेटिक वहाँ पे कॉल कर देगा, मतलब पूरा फास्ट वर्किंग में मतलब काम करता है। हाँ और क्या है? और जैसे कि ग्रेनेड बनाया इसमें होता है। हाँ जैसे कि एक ग्रेनेड है, देखिए ये अभी लगाएंगे, एक ग्रेनेड बनाया है। तो ये इसमें क्या आपका खासियत है? ये इसमें खासियत है कि मतलब सभी तरीका का ग्रेनेड आता है, मतलब ये ऐसा ग्रेनेड है कि जो कि इंडियन आर्मी अगर उस पर पैर रखेगा तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। अगर अच्छा? दुश्मन, हाँ अगर दुश्मन पैर रखेगा ये ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसा? हाँ। इसमें क्या खासियत है, कैसे
तो खासियत यही है कि जो इंडियन आर्मी मान के चलिए कई बार होता क्या है आप ऐसा किए हैं कि इंडियन आर्मी हाँ। पैर रखेंगे तो नहीं ब्लास्ट करेगा हाँ। और हाँ। जो घुसपैठी होंगे वो पैर रखेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। हाँ ये मेरा जो कि जैसे हम रिसर्च करके बनाया वो मेरा एक राज है, जब तक हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता था हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप वो जूते भी दिखा रहे थे हाँ उसका ये इंडियन आर्मी के जूते हैं बूट है और ये अगर बूट पहने हुए रहेंगे और जैसे ही ये ग्रेनेड के सामने जाएंगे तो इस पर बताएगा कि आप ग्रेनेड के सामने हैं आप ब्लास्ट नहीं कर पाएगा। तो ये है ये बूट है तो इस बूट में भी कुछ ऐसा चीज ये इन्होंने लगा रखा है तो ये बूट को रख दीजिए। और बताइए और क्या है। और जैसा कि ये ड्राइवर के लिए बना रहे इसमें होगा कि कई बार मतलब गाड़ी ड्राइव करते समय या तो शारीरिक प्रॉब्लम रहता है या कि मतलब सही से मतलब सो नहीं पाता है या उसको मतलब जैसे कि टाइम नहीं मिलता है सोने का। अच्छा। तो रात में अगर गाड़ी चलाते समय उसको नींद आ जाए तो रोड हादसा बहुत काफ़ी होता है। तो उसी के चलते मैंने इसको बनाया कि अगर गाड़ी चलाते चलाते अगर मतलब उसको नींद आ जाए तो ये ऑटोमेटिक मतलब एक दो सेकेंड के बाद गाड़ी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बंद होने के साथ जो कि उसका चारों साइड का लाइट इंडिकेट जलने लगेगा ताकि अलर्ट हो जाएगा और उसका हॉर्न बजने लगेगा। उससे होगा कि अगर पीछे वाला भी अगर स्पीड में दोनों आ रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी का मतलब ड्राइवर सो गया है या मतलब कोई परेशानी आ रहा है तो अपना साइड करके ड्रॉप कर लेगा। उससे होगा कि काफी मतलब रोड हादसा बहुत कम हो जाएगा इससे। क्या बात है बहुत बढ़िया। इसको हम डेमो दिखला सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं। तो देखिए इसका अभी डेमो दिखलाएंगे कि कैसे हम लोग रोड जो है सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं। हम पहनते हैं इसको। हाँ एक बार चेक कर लीजिए आप। देखिए अभी ये चेक करके बता रहे हैं और ये आप समझ सकते हैं कि ये कार जो है कार या बाइक है वो चल रहा है हाँ। जैसे अगर यहाँ पे हम मतलब सोते हैं जैसे कि ऐसे तो ये गाड़ी बंद हो जाता है। गाड़ी बंद हाँ। और जैसे हम यहाँ पे मतलब गाड़ी चलाते हैं तो ये यहाँ चलने लगता है। वाह क्या बात है। और जैसे हम सोते हैं तो गाड़ी ये बंद हो जाता है। वाह हम देखते हैं। देखिए अब इसको हम लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अभी जो है अभी गाड़ी चल रही है अभी चल रही है। हमारा आँख खुला है मेरा आँख बंद हो जाएगा जैसे कि हम सो गए तो बंद हो गया। जैसे ही आँख खोलेंगे चला रहे हैं गाड़ी चल रहा है आँख बंद होगा बंद चल रहा है। तो ये इस तरह से बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा आपने खोज किया है। और क्या आपने खोज किए हैं और नया चीज़। देखिए बहुत ही गजब के टैलेंट है इनके अंदर में और तरह तरह के इन्होंने आविष्कार कर रखा है। ये सायरन है जो आप बॉर्डर पर हो गया या आपके खेत खलियान में भी काम आएगा। खलियान में भी आएगा ये दो चीज को देख सकता है एक जानवर एक जानवर और एक इंसान को। अगर खेत में अगर इसको लगा दे तो ये काफी हद तक मतलब कामयाब हो जाएगा। जैसे कि अगर रात में अगर फसल को नुकसान करने के लिए नील गाय बकरी मतलब घोड़ा कुछ कोई भी आ जाता है तो जैसे अगर मान के चलिए खेत में अगर मान के चलिए छोटा जानवर बकरी आ गया तो वो करेगा कि मतलब शेर का आवाज निकालेगा ताकि उसे अलग उसका प्रोग्राम डालना पड़ेगा। हाँ प्रोग्राम डालना पड़ेगा। अगर बॉर्डर के बॉर्डर पे लगाएंगे तो अलग उसका प्रोग्राम इसमें डालना पड़ेगा। मतलब एक डिवाइस हर एक जगह काम कर सकता है तो इसमें मतलब और जिसका खेत रहेगा हाँ जिसका अगर खेत रहेगा मान के चलिए मेरा अगर खेत है या आप ही का खेत है आप अगर सो भी है घर में तो आपको ये अलर्ट कर देगा या आपको बता देगा कि आपके खेत में कोई घुस चुका है। खेत में हाँ कोई आया और घर पर सूचना मिलेगा। घर पर सूचना मिल जाएगा। वो कैसे जैसे इसमें मतलब कि नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट है। अच्छा। जैसे कि अगर खेत में कोई चीज प्रवेश करता है मेरा यहाँ पे कैमरा जो लेंस वायर लगा है वो देख लेगा। देखने के साथ वहाँ पे मतलब अगर बकरी है तो वहाँ घोड़ा का आवाज निकालने लगा शेर का आवाज निकालने लगा वो डर के भाग गया। घर पर आपको कैसे पता चलेगा। आपको मोबाइल के मतलब वो कॉल कर देगा। अच्छा ये कॉल यहाँ से कॉल आ जाएगा। ये डिवाइस मेरा जैसे ही मान के चलिए मेरा हाँ तो मेरा ये डिवाइस एक कॉल कर देगा मेरा तो जैसे कि चलिए अभी ये जो सेंसर है चालू हो रहा है। ये वार्निंग कॉल आ गया वार्निंग अलर्ट का कॉल आ गया और यहाँ से उठा भी सकते उठा तो नहीं सकते हैं नहीं सकते बस ये आपको मालूम चलेगा कि आपके पास कुछ वहाँ घुसपैठी आ गया तो खेत में चोर आ गए हैं जानवर आ गए इस तरह से पता चलेगा। और ये जो आप बिजली कैसे तैयार करते हैं इस बिजली के बारे में बता दीजिए और या कुछ और आपने खोज किया उसके बारे में बता सकते हैं। अभी ये जैसे कि बिजली का बताए तो इसमें प्लास्टिक जलाते तो बिजली जनरेट होता है। एक बार चेक करके बताइए और हमारे दर्शकों को भी दिखलाइए कैसे प्लास्टिक जलाने से जो वेस्ट कचरा है या कोई भी कचरा जो वेस्ट है उसको जलाने से बिजली उत्पन्न होती है। तो एक बार देखिए आप कैसे बिजली तैयार हो रहा है यहाँ पर बहुत बढ़िया। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर
कागज को जलाया जा रहा है और कागज को जलाने के बाद क्या होता है वो आप लोग भी देखेंगे और बिल्कुल आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे सीधे। देखिए अभी माचिस जला और ये जलना चालू हो गया है और ये देखिए ये तीन बल्ब है और ये तीनों बल्ब देखना है कि कब जलता है। और ये देखिए कचरा, यानी कि समझिए कि आप मान लीजिए कि कचरा है, कचरा ही है, कागज़ का टुकड़ा था, इसको जलाया गया और जलाने के बाद बिजली उत्पन्न होगा इससे। और देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बल्ब जलने लगा। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, काफ़ी शानदार। एक बार देख सकते हैं आप एक बार देखिए टीवी, आप टीवी भी रखा हुआ, हाँ, टीवी में भी लाइट आ गया, टीवी भी चलता है। हाँ, टीवी भी चलता है, क्या बात है। तो ये जलते रहना चाहिए ना हमेशा, मतलब जलते रहेगा तभी तो। जैसे चलाती अपना बैटरी चार्जिंग हो गया। अच्छा, जलाने मतलब, से बैटरी भी चार्ज हो जाएगा। बैटरी चार्ज हो गया उसके बाद आप मतलब एलईडी टीवी चलाइए या कुछ भी चलाइए, बल्ब चलाइए, पंखा चलाइए। कितना वाट ये बिजली तैयार किया? ये अभी 6 वोल्ट बिजली तैयार किया। 6 वोल्ट बिजली तैयार हो गया इतना ही से? इतना ही कचरा में? हाँ इतना ही कचरा, मतलब इसको। और जो अभी इसमें रिसर्च कर रहे हैं इसमें होगा कि अगर थोड़ा सा कचरा जलाएंगे तो मतलब बहुत ज्यादा, अगर 2 घंटा अगर जलाते हैं कचरा तो मतलब पूरा दिन भर का मतलब बिजली उत्पन्न कर देगा। हाँ ऐसा इसमें, और इसमें एडवांस मशीन लगा रहे हैं जो कि। तो इसमें ये क्या है आपका? ये कन्वर्टर है, जैसे कि मतलब ये तो डीसी ही रहता है बैटरी का, ये डीसी करंट पैदा करता है, इसको कन्वर्टर ये मतलब एसी में करंट कर देता है जो कि टीवी सब वगैरह चला सकते हैं इसे। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत आविष्कार है आपका। और ये देखिए इनका ये यहाँ पर बिजली, ये क्या है? मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, चला के मोबाइल से टीवी चला के दिखाएंगे। क्या बात है, मोबाइल जरा दिखा दीजिए। बहुत ही अद्भुत आविष्कार है आपका, एक बार फिर से नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम हुआ राजा कुमार। राजा, हाँ। वाह देखिए अभी ये मोबाइल से चला रहे हैं आप। हाँ। ये सीसीटीवी दिखा सकते हैं, यूट्यूब कहाँ गया? देखिए आप देख सकते हैं अपना ही वीडियो, मेरा ही वीडियो अब यहाँ पर चलने वाला है। और आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है इनका आविष्कार, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। और चमत्कार नहीं, इसको आविष्कार कहेंगे। एक युवा वैज्ञानिक हैं राजा। और देखिए YouTube सीसीटीवी वहाँ खुल रहा है, आप देखिए नेट स्लो है क्या? तो ये देखिए, अच्छा यहाँ पे काफ़ी नेट स्लो चल रहा है, आप कीजिए। देखिए स्वागत है, ये देखिए अपना वीडियो चलाएंगे वहाँ पर, देखिए चल रहा है ये। चलिए देखिए वीडियो चलना चालू हो गया, आवाज़ आएगा? देखिए बहुत बढ़िया है। और आप देखिए वहाँ ऐड भी आ गया बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत आविष्कार है आपका। एक मिनट, चल नहीं रहा है, चल रहा है। बहुत अच्छा, तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर इनका आविष्कार है। और टीवी भी चल रहा है, सिर्फ एक बार ये थोड़े से कचरा को जलाए और चलने लगा। तो ये आविष्कार इनका बहुत ही अद्भुत आविष्कार है। और एक युवा वैज्ञानिक है, बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए हैं और 10वां क्लास में पढ़ाई करके अभी 11th में गए हैं ना, 11th क्लास में गए हैं। और ये 11वीं में पढ़ने वाले, 11वां क्लास में पढ़ने वाले एक युवा वैज्ञानिक बन चुके हैं आप। और बहुत ही अच्छा आविष्कार किए हैं आप। देखिए अभी भी लाइट जल रही, लाइट जल रही है, टीवी भी चलता है। और ये थोड़े से कागज जलाने के बाद इतना बिजली उत्पन्न हुआ, अगर और इसको जलाया जाए तो और भी होगा। लेकिन आप इधर चीटिंग उटिंग तो नहीं किए? नहीं, नहीं, आप ये तो देखिए यहाँ पे है, इसको कोई चीटिंग नहीं इसमें। हाँ, तो ये ये बैटरी तो आपका चार्ज इससे हुआ, उसके बाद जला, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप लोग इनको मदद करना चाहते हैं, इस छोटे वैज्ञानिक को, इस राजा को, ताकि ये कुछ और अच्छा कर सके, हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे खोज कर सके, क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और जहां तक मुझे मालूम चला है कि इनके खोज करने के लिए गांव वालों को काफी सहयोग मिला है, गांव वाले लोग आपको काफी सहयोग किए, काफी सहयोग कर रहे हैं गाँव वाले, और जितने भी हमारे बगल में हो गए, मेरे भाई हो गए, ये तो मतलब काफी सब सपोर्ट कर रहे हैं। और वार्ड जी हो गए, मतलब सबसे ज्यादा मतलब ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। और गाँव वाले हमको काफी सपोर्ट कर रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं कि और कुछ आप बड़ा करो, ताकि हमारे भारत के लिए उपयोगी साबित हो सके।
तो गांव वाले तो सहयोग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमारे देश के जनता जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनको सहयोग कर सकते हैं। कैसे आपको सहयोग किया जा सकता है, आपको सहयोग करने के लिए जो वीडियो देख रहे हैं हमारे दर्शक वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ मतलब जैसे मतलब सपोर्ट कई तरीका से होता है। अगर मान के चले आप एक वीडियो को अगर शेयर कर देते हैं वो भी एक सपोर्ट हुआ, क्या कि अगर आप अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे का पास मेरा अगर मान के चले वीडियो गया अगर वो सपोर्ट कर सकते हैं तो उससे अगर मान कई तरीका से सपोर्ट हो सकता, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मतलब कई तरीका से भी सपोर्ट किया जाता है, ऐसा कि हमको सहयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, कुछ आर्थिक इनको मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फोन पे गूगल पे का नंबर दिया गया है, आप इनको मदद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।